लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें अस्पताल में डेंगू को लेकर बेहतर सुविधाएं और व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नीता साके के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुँचे। यहाँ इन पदाधिकारियों ने एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जनपद के कई गांव व शहर में डेंगू बुखार से लोग पीड़ित हैं, घर घर चारपाई बिछी हुई है, कई लोगों की डेंगू की वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं न होने की वजह से प्राइवेट अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। जनपद में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं, जो कि आगरा प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। जिंदगी और मौत से जूझ रहे आम जनमानस इस समस्या से बेहद परेशान है और दिखाई दे रहा है कि दवाओं का छिड़काव और अच्छी व्यवस्था नहीं है। पत्र के माध्यम से इन सभी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से डेंगू से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं किए जाने की मांग की है। आज आप किस समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आ पाए हैं? आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिला कमेटी ब्लॉक कमेटी के साथ, जो आज पूरे जिले में डेंगू की जो समस्या चल रही है, उसी के संबंध में हम यहाँ आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि आज पूरे जिले की बहुत स्थिति खराब है और डेंगू से बहुत लोगों की जाने भी जा चुके हैं और बहुत ही पूरे जिले में सभी लोग बहुत पीड़ित हैं। अस्पतालों में कहीं जगह नहीं है और बहुत ही गंभीरता की बात है ये,